आज की वीडियो में बेसिकली हम लगाने वाले मॉक्सी का 1000 फ्लेशर। ये भैया हमारे आए हैं बहुत दूर से, काफ़ी दूर से चल के आए, हमारी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और वहीं के जरिए से आए हैं। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ से काम चल रहा है यार, निकलो बाहर निकालो। तो भैया आप कहाँ से आए हैं बताइए जरा। बाराबंकी से हैं भैया। आप हमारी वीडियो देखते हैं? जी जरूर देखते हैं। कैसी लगती है हमारी वीडियो? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जल्दी वहाँ से हटो। अच्छी लगती है ना? तो भैया वीडियो देख के आए हो ना? जी वीडियो देख के आए कि आप अपनी स्प्लेंडर गाड़ी में मॉडिफाई किए हैं लाइट, उधर बताइए। उसके बाद हम कहें हम भी अपनी गाड़ी में करवाते हैं। अच्छा, गाड़ी में स्प्लेंडर प्लस है, इन्होंने नई बिल्कुल कंपनी से निकला कर लेकर आए और सीधा हमारे पास लेकर चले आए हैं। तो इसमें लगवाने हैं 1000 फ्लेशर और इसमें जो हम मतलब कि अपनी गाड़ी में लगाए हैं इंडिकेटर में बल्ब, वो बल्ब लगवाएंगे। तो आप लोगों को दिखा दें, ये मॉक्सी का 1000 फ्लेशर है, इसमें 16 पैटर्न है। ये थोड़ा पास में लाओ। मॉक्सी का 1000 फ्लेशर है, इसमें 16 पैटर्न आते हैं, इसमें 16 पैटर्न आते हैं, इसे लगवाएंगे भाई। और इसमें एक 4 इंडिकेटर में ये बल्ब लगाएंगे हम, इस वाले LED बल्ब लगेंगे और इसमें एक खटका लगेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसे हम खोल के बताते हैं आप लोगों को, जैसे घर पे कुछ लगाना उगाना हो, जैसे ऑनलाइन खरीद कर आपको लगाना हो तो आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से इसे लगाना है। तो इसे आप लोगों को बताएंगे किस तरीके, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से आप लगा सकते हैं घर बैठे ही। तो फटाक से हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसे लगाने के लिए हमें चाहिए ये 10 नंबर गोटी टामी, ये 10 नंबर गोटी टामी या रिंच, कोई चीज़ हो उसे खुल जाएगा। और आपको कहाँ लगाना है ये भी बता दें। इस वायर को खोलना है 10 नंबर गोटी टामी से, ये 10 नंबर गोटी टामी है, इसे खोलेंगे हम। एक इधर लगा है और एक इस तरफ लगा है, ये देखो ये दोनों खुल चुके हैं। और आप लोगों को खोलने से पहले एक चीज़ दिखा दें कि इसमें अभी देखो किस तरीके का उजाला है इसमें, इस इंडिकेटर में बता दें कि इस इंडिकेटर में कुछ इस प्रकार हाइलोजन बल्ब का उजाला लगता है, ये देखो कुछ इस प्रकार। अभी हम जब वो वाले बल्ब लगा देंगे LED तो इसमें देखना कुछ अलग ही टाइप का लगेगा। तो दोस्तों लगाते हैं, फिर खोलो। उसके बाद दोस्तों हमें इन तारों को निकाल लेना है। जो ऑरेंज तार है ये लेफ्ट तरफ का है ये, और ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला न्यूट्रल है, मतलब कि न्यूट्रल। और ये वाला जो ब्लू है हल्का, ये हुआ दाईं ओर का, मतलब राइट। ओके, इसे हम फटाक से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का इसमें खटका लगेगा, तो इसे हम लगा लेते हैं इस जगह पे, हैंडल में ये लगेगा खटका। ये दोनों पेज को हमें खोलना है कुछ इस प्रकार, उसके बाद हमें इसे यहाँ पर इस प्रकार माउंट कर देना। उसके बाद छोटा ले लो, छोटे ना हो या इस तरीके से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इसे फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों इस तार को इस तरीके से हमें निकाल लेना है, इस तरीके से, और इधर से हमें इस पार निकाल लेना है, इस तरीके से निकालेंगे खटके का तार। तो दोस्तों इसे लगाने के लिए इस वाले तार को हमें इसे छीलेंगे, उसके बाद हमें इस रेड वाली तार को छीलेना है, फिर दिखेगी ना दिखेगी। हाँ, उसके बाद हमें इस वाली तार में रेड को अटैच कर देंगे। ये खटके का तार है, जो खटका हमने लगाया है ये, इस वाले खटके का, इधर देखो इस वाले खटके का तार, एक तार को, एक कोई भी तार, ये हो या हो कोई बात, कोई भी तार हो उसे हमें इसमें जोड़ देना है, इस रेड वाली तार में, ये 1000 फ्लेशर के रेड तार में जोड़ना है हमें। तो इसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद हमें इस वाली तार को छील लेना है। इस वाली तार को छील लेना है, उसके बाद हमें इसे पॉजिटिव करंट देना है। तो आप लोगों को बता दें इसका करंट 12 वोल्ट करंट जो चाबी काटने पे आए उस वाले तार में, हमें इस वाले तार को करंट देना है पॉजिटिव को। जो ब्रिक स्विच का तार आता है
ये ब्रेक स्विच का तार, इस वाली तार में ये ब्लैक कलर की तार जो होती है इसमें पॉजिटिव करंट आता है, जब चाबी ऑन करोगे तो इसमें करंट आता है। तो इस वाली तार को हमें निकाल लेना है, उसके बाद इस वाली तार को निकाल लेना हमें, इस ब्लैक वाली तार को, और इसके अंदर इस वाली तार को पिला देना। इस वाली तार को हमें इसमें पिला देना है, इस वाली तार को हमें पिला देना है, उसके बाद हमें इसे हम बांध लेते हैं। उसके बाद अब हम इंडिकेटर का कनेक्शन हम बताते हैं। टाइप दो, इसमें टाइम मार देंगे, उसके बाद इसे हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंडिकेटर का कनेक्शन बताते हैं। तो ये नेगेटिव वाला तार जो है तार था, तो हमने उसमें बैटरी के पॉजिटिव तार में हमने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद इसे हम नेगेटिव तार में लगाते हैं। ये ग्रीन तार इसमें स्प्लेंडर में नेगेटिव का होता है, तो इसमें पिला देते हैं। क्या कनेक्शन हो गया। ये लग गया। उसके बाद हमें जो पीली कलर की ये हजार की जो पीली वायरें हैं, ये दोनों वायरों को हमें इस वाली तार में एक इंडिकेटर के, ये पीले वाली किसी भी तार में, मतलब लेफ्ट या राइट किसी में हमें लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इस ऑरेंज वाली तार में हमें इसे पिला देंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद हमें इस वाली तार को आपको लोग समझा दें वायरिंग, तो इस वाली जो पीले कलर की तार हैं, तो हमने इंडिकेटर के दोनों पॉजिटिव तारों में हमने लगा दिया राइट लेफ्ट, और जो ये ब्लैक कलर की तार है हमने इस इंडिकेटर के जो ग्रीन तार होती है स्प्लेंडर में, ये इस ग्रीन तार में हमने लगा दिया है ब्लैक तार को। और जो ये रेड वाली तार आपको दिख रही है, ये वाली रेड तार, इस रेड तार को हमने पॉजिटिव में मतलब लगा दिया है, हमने ये पॉजिटिव तार में हमने लगा दिया है। तो इसको आप जलाकर आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे का सीन दिखाते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं जलाकर, उसके बाद अभी हम इसमें इस वाली लाइट को फिट करेंगे। पहले इसका देख लो, उसके बाद हम इस वाली लाइट को फिट करेंगे, इस वाली लाइट को और हम दिखाएंगे। तो पहले इस वाली वीडियो को हम दिखा दें, कुछ इस प्रकार जल रहा है, हजार फ्लेशर हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें एक पैटर्न हुआ, ये दूसरा पैटर्न, अरे ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सबसे मस्त लगता है। तो फटाक से इस वाली लाइट को हम लगा लेते हैं, उसके बाद का आपको सीन दिखाएं। तो दोस्तों इस वाली लाइट को हम इस इंडिकेटर में फिट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसे फिट करने के लिए हमें एक पेचकस की ज़रूरत है, कुछ इस प्रकार से। इस नीचे एक पेच लगा होता है, इस पेच को हमें खोलना है। थोड़ा पास में आओ और भैया को दिखाओ। उसके बाद हमें इस वाले ग्लास को निकाल लेना बाहर की ओर, इसे लगा देते हैं, अच्छे से रख देते हैं। उसके बाद इस रिफ्लेक्टर को निकाल लेना है, इस वाले रिफ्लेक्टर को निकाल लेना बाहर। उसके बाद हमें जो, तो दोस्तों हम इस वाले रिफ्लेक्टर को इस वाली तार से हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार। इस वाली तार को हमें ऐसे निकाल लेना है इस प्रकार बाहर की ओर, इधर से पिलाएंगे और इस तरफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस रेड वाली तार को इसमें पिला देंगे। तो दोस्तों हमने इस वाली तार में लगा दिया है, अब रील उसके बाद। तो दोस्तों हमने इस वाली तार को इसमें जोड़ दिया है, इस वाली तार में, और इसे वाइट वाली तार को ग्रीन तार में लगा दिया है, और रेड तार को रेड पे वाइट पट्टी, ये जो पॉजिटिव है इस लाइट की, इसे हमने ब्लू तार में लगा दिया है। तो इसे हम फटाक से इसमें बांधते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगे। इस वाले पेंच को इसमें फिर से टाइट कर लेंगे।
इसमें हमने लगा दिया, उसके बाद इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद इसमें डबल टाइप पीछे लगा होता है, इस वाले डबल टाइप को इसे इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे चिपका देंगे चर से। उसके बाद इस वाली रिफ्लेक्टर को लगाने के बाद इसे हम शीशे को इसमें ऐसे लगा देंगे कुछ इस प्रकार, इस प्रकार। वही नहीं सब काम करते हैं। तो दोस्तों हमने इस वाली लाइट को इस वाले इंडिकेटर में लगा कर दिखाया है। अब हम फटाक से इस तीनों इंडिकेटर में लगा लेते हैं, उसके बाद आपको सीन दिखाते हैं आगे का, जला कर दिखाते हैं। तो फटाक से हम लगा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी एकदम बनके रेडी हो चुकी है और इसका 1000 फ्लेशर कुछ इस प्रकार वर्क कर रहा है, आपको दिखाते हैं भाई। और रात बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं यहाँ, ये देखो कुछ इस प्रकार कर लाइट है 1000 फ्लेशर, फिर से चेंज करो, ये ऐसे जलेगी, फिर से चेंज करो, ये थोड़ा तेज़ हो जाएगी और ये इधर उधर चलेगी, ये हाली हाली जल रहा है, ये दोनों एक साइड में चलेंगी, ये देखिए, फिर से चेंज करो, इसी प्रकार जलेगी। और पीछे से आपको दिखा दें, पीछे से कुछ इस प्रकार लगेगा भाई, ये देखिए इस प्रकार इसका लुक लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, चैनल बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई अब जा रहे हैं घर को, तो भाई जा रहे हैं ना घर को? जी भाई जा रहे हैं। गाड़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से बन गई है, तो जिन भाइयों को गाड़ी में हेडलाइट लगवाना हो या 1000 फ्लेशर लगवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं भाई, और बात कर लीजिए, डिस्प्ले भी दिखा रहा होगा नंबर। हाँ, तो जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है भाई।